देखो ना, बैठे बैठाए क्या हो गया? सोचा था क्या कि ऐसा होगा? देखने में कितने भले शरीफ लोग लगते हैं ना, मतलब किसी को ख्याल भी नहीं आया होगा कि शैतान इनमें से ही होगा। सिर्फ एक बात पूछूं तुमसे? परेशान हूं ना तुम्हारे लिए, फिक्र हो रही है इसलिए पूछ रही हूं। ये बात इतने अरसे छुपी कैसे? पता नहीं। अच्छा, नहीं पूछने का मकसद ये था, तुम्हें कैसे पता चला? तुम सिकंदर से रابطے में थी? भाभी प्लीज, मुझे कुछ देर आराम करना है। हाँ हाँ आराम तो करना होगा ना, कर लेना, मगर मुझे बता तो दो हुआ क्या था, ये भी तो जरूरी है ना, मतलब पता तो चले। राफिया बाहर आना। जी आई। अच्छा तुम आराम करो। तुम्हें एक दफा की कही बात समझ में नहीं आती? क्या आप मुझे बार बार टोकने के लिए आ जाते हैं? आप ही कहते हैं ना कि आपकी बहन बहुत मजबूत है, मैं उसकी तरह बनूं। तो अगर मैंने 4 सवाल कर लिए तो कौन सी कयामत ढह गई उस पे? उस पर पहले ही कयामत ढह चुकी है राफिया। तुम्हें क्योंकि सीधी तरह बात समझ में नहीं आती है, इसलिए मजबूरी में बता रहा हूं कि वो मां बनने वाली है, और तुम उसे बेहतर तौर पर जानती हो कि ये वक्त उसे परेशान करने का नहीं है। वो पहले ही जितनी डिस्टर्ब है काफी है। अगर तुम उसकी हालत बेहतर नहीं कर सकती हो तो खुदा के वास्ते बिगाड़ो भी मत। लेकिन वकार, अफान उसे इस हालत में, वो कुछ नहीं जानता, और प्लीज अब इस बात का जिक्र किसी से मत करना। नहीं, नहीं करूंगी।